राजस्थान की गहलोत सरकार की तीसरी सालगिरह के मौके पर पिंक सिटी जयपुर को बड़ी सौगात मिली है। शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहर की तस्वीर बदलने वाली 525 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया। इन नए प्रोजेक्ट्स में मुख्य तौर पर बस्सी आरओबी एवं किशन बाग वानिकी परियोजना और बी बाईपास जंक्शन टोंक रोड लक्ष्मी मंदिर तिराहा समेत टोंक रोड एवं जवाहर सर्किल पर यातायात सुधार एवं सौंदर्यीकरण पीआरएन में सीवरेज कार्य तथा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के कार्यों का शिलान्यास किया गया। बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के 3 साल शुक्रवार को पूरे हो गए। किशनबाग परियोजना को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य नाहरगढ़ के रेतीले टीलों की स्थायी कर वहां पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के प्राकृतिक वास को सुरक्षित कर संधारित करना है। राजस्थान में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बलुआ चट्टानों के बनने के बारे में जानकारी व राजस्थान की विषम परिस्थितियों में उगने वाले पौधों को मौके पर माइक्रो क्लस्टर के रूप में विकसित कर साइनेज के माध्यम से वैज्ञानिक एवं शिक्षकीय अभिरुचि पैदा करना है। इस परियोजना में 64.30 हेक्टेयर भूमि पर विकास कार्य किया गया है। परियोजना के विकास कार्यों पर 12 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। किशनबाग परियोजना एक सामान्य प्रकार का शहरी उद्यान नहीं है। किशनबाग परियोजना के अंतर्गत अरावली एवं मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति एवं घास की विभिन्न प्रजातियों के बीजारोपण एवं पौधारोपण कार्य संपादित कर विकसित किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज, जयपुर।